ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। एंड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, नहीं एक नया सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अ चैप्टर विच इज गोइंग टू स्टे विद द टाइम यू आर गोइंग टू लिव। जी हाँ, क्योंकि फाइनेंस मतलब अपन सबको पता है क्या, अपना सपना मनी मनी। तो अगर पैसा इन्वॉल्व है तो भाई मरते दम तक आदमी पैसे के लिए तो भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, छोड़ता नहीं है। आप बोलोगे सर रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी आप कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे जहां से आपको ऑब्वियसली मंथली रिटर्न्स आएगा। तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए टिल दी एंड, बराबर है कि नहीं? तो आज एक ऐसी चीज की शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में जो आपके साथ एंड तक चलने वाला है। देखो, हो सकता है कि आप सीए सीएमए बनने के बाद, ठीक है, टैक्स की प्रैक्टिस में ना जाओ, ठीक है, तो शायद टैक्स कुछ टाइम तक आपके साथ चलेगा, आगे भी ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। हो सकता है अकाउंट्स आपके साथ, अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में जाओ भी ना, फाइनेंस की फील्ड में आ जाओ तो अकाउंटिंग उतना चले ना चले। लॉ ऑडिट, अगर आप ऑडिटिंग में ना जाओ तो इट कुड बी आइदर वेज। बट दिस इज वन सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और खाली आप ही के नहीं, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब लोग को आप इस सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जब आप एक लेवल और ऊपर जाओगे, विच इज द फाइनल लेवल, तब आपको और एडवांस लेवल पे चीजें सीखने को मिलेगी। यहां पे आपको समझना है कि फाइनेंस क्या है और उसको मैनेज कैसे करना है। आपको पता है फाइनल लेवल पे क्या होता है? फाइनल लेवल पे मैं आपको सिखाऊंगा पैसे से पैसा कैसे बनाना है। जी हाँ, सो आई टीच सीए सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही मेरा फोर्टे है, यही मुझे आता है। दैट्स इट, दीज आर द टू सब्जेक्ट्स जो मेरे दिल के करीब है फॉर लास्ट मोर देन 10 इयर्स, एंड यही मैं पढ़ाते आ रहा हूं। बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सीए संकल्प कांस्टिया बाय प्रोफेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम NM College, Narsee Monji, which is based out in Mumbai, one of the best colleges of our, obviously of our country, मैं तो बोलूंगा, right? So वहां से मैंने अपना commerce किया, commerce के साथ साथ ही मैं CS कर रहा था। By the time before I was a BCom graduate, मेरा CS complete हो गया था, because CS में articleship आप बाद में भी कर सकते हो। तो आप back to back मैंने foundation, फिर inter, फिर final, तो FI BCom में foundation clear किया, SY BCom में इंटर क्लियर किया, और फाइनल TY BCom जिसको बोलते हैं वो टाइम पे क्लियर कर लिया था। सो दैट्स हाउ इट वर्क। फिर बाद में आया CA, तो CA साथ साथ में चल रहा था। बाय 21 and a half 22 आई वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। एंड आपको पता है मैंने CA बनने के बाद क्या किया? मैंने CA बनने के बाद ज्वाइन की एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है JP Morgan, जो वर्ल्ड की, क्या बोला मैं, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी है। तो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसी के ऊपर मैं प्रैक्टिकली काम भी कर चुका हूं। जी हाँ, सुना आप लोग ने ये नाम सुना है कंपनी का, JP Morgan? हो सकता है सुना हो ना सुना हो, बिकॉज अभी तो आप लोग आ रहे हो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। एंड अब ये सब्जेक्ट आप लोग करने वाले हो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट एट सीए सीएमए लेवल। सो कैसा है कि चलो, हो सकता है बीकॉम में आप लोगों को अभी तक आ गया होगा, नहीं भी आया होगा, बट एज फार एज योर यू नो दिस प्रोफेशनल एग्जाम इज कंसर्न, ये आप फर्स्ट टाइम करने वाले हो। तो 6A का ये पेपर है, पार्ट ऑफ Group 2। सो वी नो नाउ Group 1 में 3 पेपर्स है, एडवांस्ड अकाउंटिंग, लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एंड Group 2 में आ जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एंड फाइनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फॉर फुल 50 मार्क्स। जी हाँ, तो अपन लोग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट करने वाले हैं फॉर दिस 50 मार्क्स, एंड प्रैक्टिकली पढ़ेंगे इसको, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इसको, एंड एट द सेम टाइम एंश्योर करेंगे कि यार देखो, इसमें आपको 50 out of 50 आ सकता है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थियोरी है, तो थियोरी में अपन सबको पता है कि यार क्या हो जाता है अपने को एग्जाम में, बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल में तो अगर अपन लोग नंबर वर्क बराबर करके आए तो
तो क्यों ना उसमें फुल आउट ऑफ फिल स्कोर किया जाए, राइट। सो मैं कुछ आप लोगों को एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहूंगा, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जेपी मॉर्गन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे मैंने अराउंड 4+ ईयर्स काम किया है एंड ट्रस्ट मी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब आप सोचिए, जस्ट फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला था एंड देन वी हैड क्लाइंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया के क्लाइंट्स थे, तो वो सबको मैनेज करना था, नंबर्स के साथ समझना था चीजों को। और मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम दिस कंपनी वॉज एट इट्स पीक, मतलब एकदम वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी अपने टाइम की। सो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है एंड मेरा मन कर रहा है कि बस जितना मैं आप लोगों को भी दे सकूं उतना मजा आएगा। एंड दैट इज द रीजन आई टीच एट फाइनल लेवल एज वेल। यू नो, मैं जब सीए बना था तो मुझे टीचिंग का इतना शौक था कि मैंने तो घर पे बोल दिया था कि मैं डायरेक्टली टीचिंग में ही जा रहा हूँ, बट घर वालों ने बोला रुक जा भाई। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने स्पेशली एडवाइस दिया कि भाई देख, तेरे को टीचिंग करना है तो तू सैटरडे संडे में चालू कर, मंडे टू फ्राइडे कोई फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर ले, सो दैट व्हेन यू आर टीचिंग देम तो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी रहेगा, स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में मजा आएगा एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बिकम स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। मुझे ये बात सही लगी, फिर मैंने सैटरडे संडेज में पढ़ाना चालू किया जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है ना। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी इजी। सीए बनने के बाद भी 7 डेज अ वीक काम करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस का काम, फिर सैटरडे संडे में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो ऐसे करते 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 फिर एक इंस्टीट्यूशन सेटअप होते गया एंड देन फिर बाद में मैंने बोला कि चलो, एक मेरे को अच्छा एक्सपोजर मिल गया अराउंड 4+ ईयर्स में। नाउ आई कैन से टाटा बाय बाय टू जेपी मॉर्गन एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। सो काफी अच्छी जर्नी रही थी, वो सब चीजें आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर होते जाएगी। अब आ जाते हैं अपन लोग अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर, बट मैं आपको बता दूं कि स्लोली एंड स्टेडिली अपन लोग इस सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे एंड इफ यू आर गोइंग टू बी सीरियस देन इन दैट केस एज आई टोल्ड यू, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस। एंड ये जो बेस अच्छी तरह से सेट हो गया ना आपका, तो ये चीज आपको फाइनल में भी काम आएगी। तो फाइनल में भी सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहां पे इसको एक हाई लेवल पे पढ़ना है। तो ऑब्वियसली जो प्रोफेसर आपको जो फाइनल लेवल पे पढ़ाता है वही आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाएगा। तो बेस फाउंडेशन कैसे ले डाउन करना है इज व्हाट आई नो एंड इज व्हाट आई विल शेयर विद यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ स्टूडेंट्स का कई बार होता है कि सर ये स्टॉक मार्केट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बताओ ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते जाऊंगा। बट ऑब्वियसली देखो, आप लोग जो लेवल पे हो, जितना आप लोगों को समझ में आएगा उतना ही समझा पाऊंगा, बट वी विल डू इट। आज की तारीख में ना सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। मैं मेरे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बॉस उनके लिए ये न्यूज़पेपर आप लोगों को दिख रहा है, देखो इधर क्या लिखा है, न्यूज़पेपर का नाम बताओ क्या है, ये न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए गीता बाइबल कुरान है। तो मैं तो उनको ये भी अर्ज करता हूँ कि यार इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, रेगुलरली पढ़ते रहो एंड ये भी चीजें अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो अभी फिलहाल आ जाते हैं अपन अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस मार्क्स, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस द डिग्री जिसके लिए अपन लोग वेट कर रहे हैं, राइट। वैसे अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि क्या लगता है क्यों कर रहे हो सीए, तो दो चीजें बहुत हर एक सीए बोलता ही है, आउट ऑफ हैप्पीनेस दैट सर क्या रिस्पेक्ट मिलता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ट्रू। आज मेरे को सीए बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गया, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स गर्व से बोलते हैं अरे हमारा बेटा तो सीए है। कोइंसिडेंटली माय वाइफ इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अब वो लोग ऐसे ही बोलते हैं भाई हमारे तो बेटे बेटी सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इट्स अ प्राइड विच यू आर गोइंग टू कैरी, विच योर पेरेंट्स आर गोइंग टू कैरी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरा, मेक्स यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जी हाँ, इसका मतलब बहुत पैसा कमा सकते हो यहाँ पे। और सी इवेंचुअली आपको इस डिग्री से रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको इस डिग्री से पैसा मिल रहा है, लाइफ में और क्या चाहिए। देखो पैसा होगा तो पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो 5 स्टार बड़ी मेरी बातें, है कि नहीं। तो पैसा है तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू मेक योर ओन होम, हैव गुड लाइफ, ट्रैवल कर सकते हो वर्ल्ड को। मैं खुद
30 प्लस कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि यू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसे ये चीज हुई। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था एंड धीरे 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 चीजों को बिल्डअप करते गया। सो दिस इज वॉट इट इज, यू नो, अ डिग्री विच इज गोइंग टू गिव यू, विच इज गोइंग टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इंटू रियालिटी, योर पेरेंट्स ड्रीम्स इंटू रियालिटी। इट विल गिव यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड वो फाइनेंस को मैनेज कैसे कर रहा है वो तो ये सब्जेक्ट अब अपने को पढ़ा नहीं वाला है। तो पेपर स्टाइल क्या है? तो दिस पेपर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थियोरी। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सर कितना परसेंट प्रैक्टिकल है और कितना परसेंट थियोरी है, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा कि यार 75 to 80% तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर आएगा एंड अप्रोक्सीमेटली 20% थियोरी आएगा। देखो अगर आप लोग पैटर्न देखने जाओगे ना, तो इंस्टीट्यूट जो लास्ट क्वेश्चन है FM का, जो लास्ट क्वेश्चन है वो थियोरी के ऊपर पूछता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ऑप्शन में भी छोड़ देते हैं, भाई आया तो ठीक, नहीं आया तो अपना तो प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग है कि अपन इसमें से भी कर लेंगे। बट जैसे इंस्टीट्यूट नोट करता है कि यार कोई भी थियोरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न बहुत जल्दी चेंज कर देता है। फिर वो क्या करता है, हर प्रैक्टिकल के साथ एक थियोरी घुसा देता है। सो इसके लिए वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस इन अ कंबाइंड मैनर। बट कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अगर ये है तो इसमें स्कोर करना उतना ही ईजी है। देखो थियोरी कितनी भी अच्छी तरह से याद कर लो, कहीं ना कहीं अपन लोग भूल जाते हैं, कभी ब्लैंक आउट हो जाते हैं, कभी वो वर्ड्स याद नहीं आ पाते, तो इतना मार्क्स भी नहीं मिलता है फ्रेंकली स्पीकिंग थियोरी, मतलब स्कूल टाइम से ये तो अपना प्रॉब्लम रहा है। बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहां पे नंबर्स है उसको अगर अपन लोग बराबर से करके जाए ना, देन इन दैट केस देयर इज अ फुल स्कोप दैट वी विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अब उसके लिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द ICAI पेपर पैटर्न। सो जस्ट आपको एक आइडिया दे दूं, 75 to 80% थियोरी है, प्रैक्टिकल है एंड 20% थियोरी है एज ऑफ नाउ। ये लोग क्या कर रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन में थियोरी पार्ट डाल रहे हैं। तो मैं आपको खाली इसका एक बार पेपर पैटर्न बता देता हूं क्या है। सो इफ आई राइट द पेपर पैटर्न हियर, मैं फिलहाल खाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ही बात करूंगा बिकॉज दैट इज व्हाट आर फोकस इज एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर 50 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑप्शन, ऑब्वियसली इट विल बी हायर मार्क्स। इसमें आएगा दो डिवीजन, एक आपका होता है MCQ विच विल बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स एंड बाकी का जो 35 मार्क्स है वो हो गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब आपको राइटिंग उसमें करना पड़ेगा। तो ये हो गए अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स का। अब ये जो आप लोगों को इधर 15 मार्क्स दिख रहा है ना गाइस, दिस कैन बी एनीथिंग, थियोरी भी हो सकता है प्रैक्टिकल भी हो सकता है, बट यूजुअली एक नोट किया गया है दैट यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक MCQ आता है, बराबर है, बट दीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर केस बेस्ड। सो आप लोगों को केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वो केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको MCQ सॉल्व करना है। तो क्या होता है ये केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, बट आपको खाली आइडिया दे रहा हूं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जहां पे एक केस सिनेरियो दिया होगा दैट मिस्टर ए मीट्स मिस्टर बी एंड वांट्स टू मैनेज द फाइनेंसेस, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, और फिर आपको 3-4 MCQs देंगे, उसका आपको आंसर देना है, टोटल 15 मार्क्स। अब दे विल यूजुअली हैव टू क्वेश्चंस, तो यहां पे आप दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ अराउंड 15 मार्क्स। सो इट कैन बी एनीथिंग, 2-2, 2-2 मार्क्स के भी, 1-1 मार्क के भी होते हैं। सो उस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने इसको डिवाइड किया। बचता है बाकी का 35 मार्क्स, दिस विल बी बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कंपल्सरी आने वाला है 15 मार्क के लिए। जी हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये इधर 15 मार्क के लिए कंपलसरी आ गया बेटा, ठीक है, ये इधर 15 मार्क के लिए कंपलसरी आ गया। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 4, सो 2, 3, 4 में आपको Ne2 करना है। जी हाँ, और ये भी होगा 10 मार्क्स ईच का, ठीक है। सो 20 प्लस 15 कितना हुआ बेटा, करेक्ट, इट विल बी इन ऑल 35। आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया बेटा, एवरीबॉडी इज क्लियर विद द पेपर पैटर्न एज सच, राइट। सो इस पेपर पैटर्न से चीजें होने वाली है।
इसमें मैं आप लोगों को जो बोल रहा था ना कि ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यूजुअली पूरा का पूरा फुल थियोरी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 फुल थियोरी क्वेश्चन होता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब वो लोग क्या कर सकते हैं, बीच बीच में भी वो लोग डाल सकते हैं कुछ और चीजें। तो से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 है तो उसके भी बीच में वो लोग डाल देंगे थियोरी, क्वेश्चन 3 के बीच में भी डाल देंगे थियोरी, क्वेश्चन 4 के उसमें भी प्रैक्टिकल प्लस थियोरी डालेंगे। सो ये पेपर पैटर्न ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही फिक्स है, बट अभी तक ऐसा नोट किया गया है दैट इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग दिस पैटर्न। ऑलराइट गाइस, सो आप लोगों को भी ये लिखना है, आप लोग लिख सकते हो साथ साथ में, कोई टेंशन नहीं है। सो एमसीक्यू सॉर्टेड है। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मेजरली प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस होता है, बट लास्ट का जो पार्ट है दैट बेसिकली इज गोइंग टू बी अ फुल थ्योरी क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी अ फुल थ्योरी क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? श्योर, डन, ओके, सॉर्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरे को समझ में आ गया है कि भाई चलो 50 मार्क्स के लिए मुझे क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट। पेपर स्टाइल समझ में आ गया है, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। तो पेपर स्टाइल से ये समझ में आता है कि प्रैक्टिकल अगर इतना ज्यादा है तो अपना सॉल्विंग पार्ट काफी अच्छा होने वाला है। थियोरी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूं 2 ही चैप्टर्स है, तो वो चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं अपन लोग स्कोप ऑफ स्कोरिंग। तो यहां पे मैं आपको बोल सकता हूं, लेट्स हैव अ फोकस ऑफ एंश्योरिंग दैट वी स्कोर 50 out of 50 marks हियर। बिकॉज जैसा मैंने बोला, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थियोरी है, फुल थियोरी है, मतलब पूरा 50 मार्क्स वो थियोरी का थियोरी है। तो वहां पे थियोरी में अगर आपका हाथ थोड़ा हल्का है, देन इन दैट केस एफएम में अपने हाथ को स्ट्रांग बना लो, एंड उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ यहां पे आया हूं। ऑलराइट गाइस, तो फोकस रहेगा 50 out of 50 marks स्कोर करने पे। मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ की चीजों को फटाफट कनेक्ट करते हुए चलूंगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें जैसे कि जैसा आपने देखा इधर स्टॉक मार्केट, तो मैंने आपको क्या बोला, मैं क्या पढ़ाता हूँ, सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाता हूँ। सीए फाइनल लेवल पे मैं क्या पढ़ाता हूँ, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। बट यहां पे मैं आपको बताऊंगा, पैसा को पहले संभालना तो सीखो, फिर पैसे को संभालना सीख गए तो पैसे से पैसा ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब ऑब्वियसली एफर्ट डालना पड़ेगा। तो कैसे ये चीजें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में इज वॉट वी विल सी। So, जैसा आप लोग ने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर स्टॉक मार्केट का थोड़ा आइडिया देना हम लोगों को, उसके बारे में भी समझना है, हम लोग इतना सुनते हैं आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स आती है, हम लोगों को भी उसके बारे में करना है। सो डेफिनेटली वी विल टच बेस, बट देखो अभी आप लोग छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हो तो टाइम लगेगा चीजों को इंटरप्रेट करने। तो मैं बेसिक्स आप लोगों को बताते जाऊंगा, और जैसे जैसे देखो कुछ टाइम में, आज से मैं तो बोलता हूँ 9 6 8 महीने बाद, 9 महीने बाद तो तुम लोग फाइनल तक ही पहुंच जाओगे, बराबर, अज्यूमिंग फर्स्ट अटेम्प्ट डिक्लेयर कर दो, पूरी बेस्ट विशेस है। तो तब तक मैच्योरिटी आ जाएगी और भी आप लोग आर्टिकलशिप भी चालू कर दोगे, तो तब तक मैं आप लोगों को एक बेसिक फंडामेंटल लेवल पे क्लियर कर दूंगा, और फिर बाद में फाइनल लेवल पे तो पढ़ना ही ये सब है, तो क्या ही बात हो जाएगी, राइट? एंड एट द सेम टाइम अ टच बेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स दैट वी हैव। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट दिस इज द थिंग, जहां पे जैसे ही आप इसको खोलोगे ना तो ये पूरा का पूरा फाइनेंस से ही भरा पड़ा है, पूरा का पूरा फाइनेंस से ही भरा पड़ा है। तो मजा आएगा ये सब्जेक्ट करने में, एक तो प्रैक्टिकल है इसके लिए, दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में आप रोज देख पाओगे इसको। अगर आप थोड़ा भी रोज न्यूज चैनल्स देखोगे ना, देन इन दैट केस रेगुलर बेसिस पे आप लोग देख पाओगे दैट यस दिस इज वर्किंग फॉर यू, दिस इज वर्किंग फॉर यू, मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना वो एक्चुअल में हो रहा है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे। आर अप्रोच टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, आ जाते हैं इस चीज के ऊपर जिसका आपको और मेरे को बेसब्री से इंतजार है, द स्टार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। और कैसे कराओगे आप सब्जेक्ट कि सर हमारे को सारी चीजें क्लियर हो जाए। मेरा बहुत क्लियर अप्रोच है, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, एफएम पढ़ा रहा हूं, एससीपीएम पढ़ा रहा हूं, एएफएम पढ़ा रहा हूं, दुनिया का कोई भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मेरा अप्रोच बहुत क्लियर है। सबसे पहले अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट कराना है तो वो कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स,
और ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको कनेक्ट करेंगे विद योर रियल लाइफ। तो इसको मैं बोलता हूं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो रियल लाइफ में आप लोगों को लगेगा अरे ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, आप लोगों को लगेगा ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसे टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखा। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो शायद आपके साथ प्रैक्टिकल लाइफ में हुए हैं। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ साथ अपन लोग और एक चीज देखेंगे, और वो है कि ये तो ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, ये जो आपके साथ हुए होंगे वो, और एक एग्जाम्पल नहीं ऐसे और भी एग्जाम्पल्स देते रहूंगा मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंडिया साइंस एन अग्रीमेंट विद से चाइना और रशिया, तो वहां पे उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कहीं ना कहीं आता है, तो वो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और रियल लाइफ आप लोगों के साथ जो है इसको मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि मेरे हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स रेडी है। क्यों? क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, राइट। सो दैट इज वेयर जैसे ही एग्जाम्पल खत्म होगा ना, आप खुद बोलोगे अच्छा सर ये कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे थे, एंड आई विल बी लाइक जी हाँ ये कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था। समझ में आया तुम लोगों को? और फिर इसके बेसिस पे अपन लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर बाद में डिराइव करेंगे अपन लोग फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज डिराइव हो गया, फिर अपनी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने का टाइम आ जाएगा। अब ये मेरा अप्रोच है कोई भी सब्जेक्ट में। भाई आप मेरे से जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या इन जनरल लाइफ में मेरे से कुछ भी पढ़ोगे ना, ऐसी ही पैटर्न आपको दिखेगी। आपको दिखेगा स्टार्ट हो रहा है एक एग्जांपल से, एग्जांपल डिस्कस करते करते कब अपन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा अरे ये कॉन्सेप्ट तो समझ गया, अच्छा ऐसा हुआ था। और फिर उधर से एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर भी अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे। एंड दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक, ट्रस्ट मी। बिकॉज एक बार आप लोगों को फॉर्मूलाज कॉन्सेप्चुअली डिराइव हो गया ना, देन इन दैट केस सम करने में बहुत मजा आता है। अदरवाइज लगता है कि यार रट्टा रट्टा मार मार के किया है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू रियली यू नो ब्रिंग द बेस्ट आउट इन अस। तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो दिस अप्रोच, एटलीस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। आई कैन गारंटी दैट टू यू, एटलीस्ट मेरे जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मैं यही यूज करता हूं, एंड इट इट हेल्प्स अ लॉट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, एंड दैट इज द कंटेंट। तो कंटेंट में आपको मिलने वाला है क्या? कंटेंट में आपको मिलेगी बुक्स एंड लेक्चर्स। सो देखो मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 आवर्स के हो। फर्स्ट एक दो लेक्चर तो छोटा छोटा रहेगा, बिकॉज धीरे धीरे आप लोगों को मेरे को चाहिए कि बिल्डअप करते जाओ इस सब्जेक्ट के ऊपर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट 2 to 2.5 आवर्स का लेक्चर्स हो, सो दैट टाइमली अपना हो जाए पोर्शन कंप्लीट। बहुत वास्ट पोर्शन भी नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन भी नहीं है, इट्स अ मीडियम पोर्शन एज कंपेयर टू योर एडवांस अकाउंट या फिर टैक्स या फिर कॉस्टिंग, उसके कंपेरिजन में पोर्शन लिमिटेड है, बिकॉज इसके साथ और एक 50 मार्क का सब्जेक्ट भी है। तो इसके लिए लेक्चर्स 2 to 2.5 आवर्स के होंगे, जिसको बोले ना उतना टाइम स्पैन भी आप लोगों का, उतना अटेंशन स्पैन भी रहेगा, एंड इट विल बी गुड। एंड दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बुक्स दैट वी आर गोइंग टू डू एंड द कवरेज ऑफ द बुक्स। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कवरेज क्या क्या होगा। कवरेज ऑफ बुक्स बाय सी.ए. संकल्प कांस्टिया। तो इसका कवरेज क्या होगा बेटा, ये सारी चीजें अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 100% क्या बोला? 99.99 नहीं, अपन डेटॉल से भी एक कदम आगे बेटा। 100% ICAI मॉड्यूल कवरेज। अब इसके लिए मैं आपके साथ क्या करूंगा, पूछो क्या? जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा अपन लोग ICAI मॉड्यूल के साथ वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेंगे, समझ रहे हो? तो हंड्रेड परसेंट ICAI मॉड्यूल कवरेज यही चाहिए ना आपको, बराबर है? सबसे पहले स्टूडेंट मेरे को यही बोलता है सर ये कवर होगा ना, एंड आई एम लाइक अरे हाँ बाबा टेंशन मत लो, अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। सो 100% क्या बोला ICAI का मॉड्यूल कवरेज।
कवरेज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है RTP MTP। आप लोगों को पता होगा हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट निकालता है RTP जिसको बोलते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर्स, और MTP जिसको बोलते हैं मॉडल मॉक टेस्ट पेपर। सो इसमें भी कुछ अगर नए क्वेश्चंस है तो वो अपन कवर करेंगे। देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है मैं आपको बताता हूं। मेजरली 80% पेपर RTP का मॉड्यूल से ही बनाता है, बट 20% जो एक्स्ट्रा है उससे अपने को उस जो एडिशन है वो चीज यहां पे अपने को करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पास्ट पेपर्स। अगर अपन लोग ने ये तीनों कर लिया, कैन आई से अपने लिए तो गीता बाइबल कुरान हो गया, मतलब हो गया भाई, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको भी यही लगता है कि नहीं लगता है? ये सारी की सारी चीजें अपनी बुक्स में कवर्ड है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें अपनी बुक्स में कवर है। तो क्या है ये बुक्स जो आपको मिलने वाली है? तो इसमें मैं यूजुअली देता हूं दो बुक्स बेटा, इसमें मैं यूजुअली देता हूं दो बुक्स। एक बुक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड। एक सेकंड गाइस। हाँ, एक बुक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज। ये सर क्या है ऑप्टिमाइज? तो दिस इज अ डिटेल्ड बुक ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे 100% ICI का मॉड्यूल कवरेज, RTP MTP जो मैं आप लोगों को बातें बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजें यहां पे कवर होती है। और दूसरी बुक है मैजिक बुक। आप बोलेंगे सर ये मैजिक बुक क्या है? दिस इज लाइक द समरी फॉर द एग्जाम डे। ये देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिलहाल मेरे हाथ में कॉस्टिंग की मैजिक बुक है, ये है वो मैजिक बुक। भाई एग्जाम के 1.5 डेज में सर क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, कैसे कम टाइम में हम लोग कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बनाई है एक समरी बुक। ये दोनों बुक्स आप लोगों के पास रहेगी, एंड ये बुक का कंटेंट मैं आपको बता दूं हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क आउट। जस्ट अ मोमेंट गाइस, यस। सो आपको क्या मिलने वाला है? ऑप्टिमाइज्ड बुक। ऑप्टिमाइज्ड बुक क्या होगा बेटा? इट इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड बुक जहां पे ये सारी चीजें कवर है। तो मैजिक बुक क्या होगी बेटा? सो इधर लिख देते हैं अपन लोग कि भाई ऑप्टिमाइज्ड होगा मेरा डिटेल्ड बुक एंड मैजिक बुक होगा मेरा समरी बुक। तो दिस इज गोइंग टू बी माय समरी बुक। गॉट इट? वैसा। ओके, अब आओ मैं तुम लोगों को झलक दिखाता हूं मेरे ऑप्टिमाइज्ड की, जो है एक डिटेल्ड बुक। ये देख लीजिए यहां पे, से फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। आप लोगों को स्टार्ट मिलेगा एक मोटिवेशनल कोट के साथ, पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। वाह। फिर बाद में कुछ आप लोगों को मिलेगा मार्क्स एलोकेशन, दैट यू नो कैसे इंस्टीट्यूट का पूरा पैटर्न रहा है ओवरऑल। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मेरी बुक में मिलने वाला है, और वो है स्टडी मेंटोर। ये है मेरी बुक की एक खासियत। देखो क्या होता है, पता है क्या, अपन लोग जब ये कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो स्टार्ट करते हैं तब तो सब चीजें याद रहती है, फिर धीरे 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 भूल जाते कि अरे ये चैप्टर में क्या क्या चीजें थी मैं तो भूल गया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? बराबर है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, उसमें अपन लोग स्टार्ट करते हैं तब तो चलो फ्रेश रहता है सब चीजें, फिर जैसे जैसे अपन लोग आगे बढ़ते जाते हैं वी टेंड टू फॉरगेट। इसीलिए बनाया मैंने ये स्टडी मेंटर, बिकॉज आप लोगों के पास एक जगह पे आपको सब चीजें देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं चीजें कंप्लीट करते जाऊंगा मैं आपको बोलूंगा चलो अपना आज लिक्विडिटी रेशियोज हो गया इसको टिक कर दो, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा कि चलो आज अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज हो गया इसको टिक कर दो। जैसे जैसे अपनी चीजें होती जाएगी क्लास में, आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको एक बार टिक करते जाओ। अब ये तो मेरा काम हो गया, इसके बाद प्रैक्टिस किसको करना है? आपको करना है। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी आदमी अगर महान बना है ना तो वो खाली एक ही वजह से महान बना है, एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज अगर आप लोग सचिन तेंदुलकर विराट कोहली को देखते हो तो वो इतने बड़े बने हैं प्रैक्टिस की वजह से। आज अगर आप शाहरुख खान या रणबीर कपूर किसी को भी देखते हो, इतने बड़े स्टार्स को देखते हो, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ अ वर्क ऑफ दे आर प्रैक्टिस। आपको भी एक बड़ा सफल प्रोफेशनल बनना है, एक ही चीज से बन पाओगे, प्रैक्टिस।
एंड यस यू हैव सेड इट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस उसी के लिए मैंने यहाँ पे ये ट्रैकर डाल दिया है, बुक में ही ट्रैकर डाल दिया है। तो आप जब सेकेंड टाइम खुद से पढ़ाई करोगे, जो भी चीज आपकी हो जाएगी आप उसको टिक मार्क कर दोगे। बट दो बार पढ़ने से भी नहीं होगा, आपको बताया कि अगर आपको रैंक लाना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन इन दैट केस जितनी बार ये टिक्स होगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा होते जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? राइट तो आप लोग भी इस बात से अग्री करते हैं, आप लोग भी इस बात से सहमत है? यस। ये देखो, एंटरटेनमेंट 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 नहीं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही चीज है जो अपने को लाइफ में टॉप तक पहुंचाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। राइट, सो ऑन दैट नोट, ये होगा आपका स्टडी मेंटर। हर एक चैप्टर के पहले बाद में आपको मिलेगा, सो यू हैव टू रेफर दिस फॉर योर वर्क। फिर बाद में आ जाता है प्रीव्यू। बॉस अपन लोग कोई भी चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक प्रीव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग नोट कर रहे हैं कि आपको मेरी ये जो ऑप्टिमाइज्ड की बुक है उसमें क्या क्या मिलते जा रहा है आपको। और एक ही बुक है, बहुत ज्यादा ऐसा करने ही किया है मैंने कि भाई 10 बुक बना दिया है, 20 बुक बना दिया है, और फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज रहे ये बुक में से क्या पढ़ना है, वो बुक में से क्या पढ़ना है। नहीं, आप लोगों को जब प्रॉपर पढ़ाई करनी है, डिटेल्ड बुक ऑप्टिमाइज, इसी में आपको मैंने सारी चीजें दे दी। आप लोग जब एग्जाम के टाइम पे फोर्थ थर्ड या फोर्थ रिवीजन करेंगे या एग्जाम टाइम रिवीजन करेंगे, वो टाइम पे आप मैजिक बुक लेंगे विच इज अ सबसेट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड ओनली। सो देर इज नो कंफ्यूजन इन लाइफ एट ऑल। सही बोल रहा हूं ना मैं? सो दैट्स हाउ इट शुड बी ऑप्टिमाइज। मैं आपको जैसा कि बोला कि इसमें अपन लोगों को क्या मिल रहा है, सबसे पहले अपने को स्टार्ट मिल रहा है एक मोटिवेशन के साथ, एंड एट द सेम टाइम चैप्टर वेटेज। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दे देता हूं कि भाई क्या इसका चैप्टर वेटेज है, सो टेंशन नहीं, आपको भी बता रहेगा भाई कितना फोकस करना है। दूसरी चीज जो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है वो है स्टडी मेंटोर। मैं आपको बता दूं, ये स्टडी मेंटोर आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड है, जो आपको बोलते जाएगा भाई अभी तक तेरा ये टॉपिक 2 ही बार पढ़ के हुआ है, चल और फोकस से और पढ़ाई कर। फिर बाद में आप लोगों को तीसरी चीज जो मेरे बुक में मिलने वाली है वो है प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर। जब आप चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो ये प्रीव्यू आपको याद दिला देगा कि आपको क्या क्या सारी चीजें पढ़नी है। राइट, और फिर बाद में आ जाता है अपना जो मेन चीज है, आप लोगों को देखेगा यहाँ पे कि कैसे सिस्टमैटिकली चीजें अरेंज की। ये देखो आपको दिख रहा है इधर लिक्विडिटी रेशियोज क्या है, रेशियो रेशियो का एक्सप्लेनेशन और फिर उसका फॉर्मूला। सो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे कि नेक्स्ट चीज जो अपने को अपनी बुक में मिलने वाली है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। बराबर बोल रहा हूं मैं एवरीबॉडी? यस और नो? सही है। फिर बाद में यहां पे रुकेंगे नहीं अपन, फिर आपको दिखेगा इसी के बाद। तो ये जैसे जैसे अपना होते जाएगा, कॉन्सेप्ट आ गए, फॉर्मूलाज आ गए सारे के सारे। देखो जब तक फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तब तक अपन लोग सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फाइनली यू विल सी ICAI के सम्स। तो ये देखो इधर का इधर ही आप लोगों को समरी भी दे दिया है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज एंड साथ में एक छोटा सा समरी, और फिर आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स कहां से है? मॉड्यूल RTP MTP पास्ट पेपर्स, आप जो बोलोगे वो सारी चीजें यहाँ पे मेरी कवर्ड है, ये सारी चीजें मेरी कवर्ड है। इनफैक्ट पास्ट पेपर्स के लिए मैंने एक अलग से सेक्शन ही बना दिया है, आप भी क्या याद रखेंगे। चलो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो पास्ट पेपर्स के लिए मैंने एक अलग से सेक्शन ही बना दिया है। ये रहा पास्ट पेपर क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर? रेशियो एनालिसिस का, है कि नहीं? तो आपको अभी पता चल गया, अच्छा May 23 में ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया था, वेरी गुड, समझ रहे हो? सो वैसा उसी का साथ में आंसर भी दे दिया, सो दैट रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं। अच्छा November 22 में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब आपको हिंट आना चालू हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट कैसा क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। कैसा लगा ये सिस्टम? सही है ना एकदम? परफेक्ट। सो ये आ जाता है फिर आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जैसा मैंने बोला ICAI मॉड्यूल तो होगा ही, साथ में RTP MTP और पास्ट पेपर्स, तो मैंने अलग से ही उसका एक सेक्शन ही बना दिया है। सो यू नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। अब आप मेरे को बताओ, एज अ स्टूडेंट आपको लाइफ में और क्या चाहिए?
सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए, सारे के सारे क्वेश्चंस का सलूशन आ गया यहाँ पे, बराबर है। आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि यार सर अच्छा ही पढ़ा लेंगे, जब इतना मेहनत करके सर ने चीजें बना ली है तो, राइट। एक बुक के अंदर ही, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स है जो खाली मेरा बुक ही रिफर करते हैं, ठीक है, और उनको भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आप लोग तो बुक के साथ साक्षात सर को भी अगर आप लोग ले रहे हो साथ में, तो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड एक ऐसा फाउंडेशन बिल्ड करना है अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कि ये सब्जेक्ट में इतना अपने को इंटरेस्ट आ जाए कि फाइनल लेवल पे भी अपन लोग इसके अंदर एकदम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए। क्या बोलते हो पब्लिक? सो मतलब एक विजन के साथ आओ इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। खाली यहां तक नहीं रहना है अपने को, आगे जाना है लाइफ में, बहुत आगे जाना है, राइट। सो ये दिस ऑल इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइज, और मैंने आपको दिखा भी दिया। स्टडी मेंटोर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये स्टडी मेंटोर जैसी चीज। प्रीव्यू, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूलाज, क्वेश्चन आंसर्स इन अ कलर्ड मैनर, और ये सब चीजें मॉड्यूल पूरा का पूरा कवर करती है। पास्ट पेपर्स, कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है, सब चीज आ गई इसमें। ऑलराइट गाइस, सो ये इस तरह से अपन लोग अपने पेपर को वर्कआउट करेंगे। अब मैं आप लोग में से एक स्टूडेंट को चूज करूंगा जो मुझे एकदम बेस्ट नोट्स बना के देगा, ठीक है। कितना भी अच्छा मैं अपना समरी बुक बना लू, मैजिक बुक बना लू, कितना भी अच्छा मैं अपना ऑप्टिमाइज बना लू, एंड ऑफ द डे एग्जाम आपको देना है। तो जब मैं पढ़ाते जाऊंगा ना, तो मैं आपको चीजें बोलते जाऊंगा कि ये अपने नोटबुक में प्रॉपरली नोट कर लो। तो आपको क्या करना है, एक तो जो अपना साथ में क्लास के साथ में चीजें हो रही है वो तो आप लोगों को लिखते ही जाने, कोई डाउट नहीं उसमें। थोड़ा मैं आपको होमवर्क दूंगा, और थोड़ा अपन लोग एकदम मस्त वाला एक ऐसा फॉर्मूला बुक बनाएंगे ना, एक ऐसा फॉर्मूला प्लस फॉर्मेट बुक बनाएंगे जो आप लोगों को मजा आ जाएगा, जो आप लोगों को एग्जाम टाइम पे खुद के रिटे हुए लिखे हुए नोट से आप लोगों को पढ़ने में मजा आ जाएगा, और खुद जितना लिखते जाओगे ना उतना सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेव होती जाएगी, राइट। तो ये सब चीजें अपन लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे सेशंस के दौरान, राइट गाइस। सो क्या होगा, एक तो आपकी क्लास वर्क की बुक होगी, जिस नोटबुक होगी जिसमें आप लोग जो मैं आपको बताऊंगा सब लिखते जाओगे। फिर एक बुक बनेगी आपकी फॉर्मूला प्लस फॉर्मेट की, जो आप अपने घर पे बनाओगे मेरे असिस्टेंस के ऊपर, राइट। एंड लास्ट एक और बुक बनेगी जो होमवर्क की बुक होगी। क्लास वर्क में जो भी करा है उसको बाई डिफॉल्ट आप लोग क्या कर लेना होमवर्क में, प्लस मैं जो आप लोगों को अलग से होमवर्क करने के लिए दूंगा वो भी आप लोगों को करना है अलग से। ऑलराइट गाइस, क्या बोलते हैं पब्लिक? डन डन डन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है, सर रिविजन करवा देना, ऑल रिविजन लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब बिफोर योर अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट होगा आपका उसके लिए। हो सकता है मैं यूट्यूब पे लाइव ले लू, हो सकता है मैं उसको अपलोड कर दू रिकॉर्डेड लेक्चर। सो अपलोडेड ऑन यूट्यूब, एंड अपन ट्राई करेंगे कि हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट ले ले। तो आप लोगों को गूगल ड्राइव पे, ये देखो ये सब मैं जो भी लिख रहा हूं ना, ये सारी की सारे नोट्स आप लोगों को गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहां पे आप लोग को ऑल्सो दिख जाएंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। क्या दिख जाएंगे? चैप्टर वाइज टेस्ट। सो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी अपन लोग लेते जाएंगे, ठीक है, विद इवैल्यूएशन ऑब्वियसली। एंड एट द सेम टाइम रिविजन लेक्चर्स मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते जाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते जाऊंगा, तो वहां से आपको रिविजन भी मिल जाएगा। बोलो बच्चा और कुछ चाहिए? सब मिल गया आपको, ये हो गया अपना बेसिक। सर अब सब्जेक्ट के ऊपर आता है ना, थोड़ा हम लोग को बताओ ना कि इसके अंदर कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ने अपने को ये चैप्टर्स। तो चलो नेक्स्ट चीज जो अपन लोग अभी करने वाले हैं, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज अपना मेजर फोकस है ये समझना कि कौन से चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं, ऑलराइट गाइस, एंड कैसे उन चैप्टर्स को मैंने प्रैक्टिकली अपना दिमाग लगा के डिवाइड किया है। एंड आप लोग भी उसी तरह से पढ़ोगे ना इस पूरे सब्जेक्ट को, ट्रस्ट मी ये सब्जेक्ट बहुत हल्का लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। आओ लेके चलता हूं मैं आपको उस दुनिया में ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस दुनिया में ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ, चलो बेसिक क्वेश्चन जो आपको कोई भी पूछने वाला है, क्या होने वाला है इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, आप बोलेंगे सर फाइनेंस को मैनेज करना है, मैं बोलूंगा हाँ एकदम सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फाइनेंस मतलब क्या,
अगर मैं आपको पूछता हूं फाइनेंस मतलब क्या, तो एकदम ले मैन लैंग्वेज में मैं किसी को भी पूछू ना फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो वो मुझे एक ही जवाब देगा, एंड दैट इज मनी। एंड कोई गलत नहीं है, सही है। मनी इन एनी फॉर्म फॉर मी इज फाइनेंस। मनी इन एनी फॉर्म, एनी मतलब एनी फॉर्म, ठीक है। इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो सकता है वो, एक फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, एक रियल कैश के फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में हो, पैसा ही फाइनेंस है। कोई गलत बात उसमें है ही नहीं। कई बार होता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, वो भी एक मनी होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए मेरा जो काम मैं कर रहा हूं ना, उसका भी एक पैसा है, उसका भी एक वैल्यू है, वो भी मैं मनी। इसके लिए मैंने क्या लिखा इधर, मनी इन एनी 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 फॉर्म इज कॉल्ड एज फाइनेंस। अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं फालतू का, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, जैसे ऐसे ही बैठा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं, चिल मार रहा हूं, देन इन दैट केस मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, एंड आप मानते हो ना टाइम इज मनी। एंड अगर वो मैंने टाइम वेस्ट ज्यादा किया तो मैं फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव में आप लोगों को दे रहा हूं, समझ रहे हो भाई। एक तो पैसा है और उसको मैनेज करना है, पैसा कैसे कमाना है, कहां से पैसा लाना है, वो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ही, बट मैं आपको बोल रहा हूं ह्यूमन बीइंग, जो आप लोगों की बात करता हूं मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई चल थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, वो जो टाइम पास कर रहे हो ना आप, उतने टाइम में आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते थे, अगर आपने वो नहीं किया ना, तो आपको अटेम्प्ट लगेगा, अटेम्प्ट लगेगा तो आपका बोलते ना डिग्री बनना डिले होगा, अगर लेट डिग्री मिलेगा तो आपको लेट जॉब मिलेगा, वो जो 10 लाख रुपए का साल का पैकेज है ना, वो अगर डिले हो गया ना तो उतना आपको नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करने का। हाँ, आप बोलोगे कि सर मैं खेलने गया था, तो इट इज नॉट अ टाइम वेस्ट, उससे आपका माइंड बॉडी फ्रेश हो रहा है, चलेगा, उससे आपका पढ़ाई अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर थोड़ी सी देर टीवी देख लिया, ठीक है, थोड़ी सी देर देखा, चलेगा, एंटरटेनमेंट मिला, माइंड फ्रेश हो गया, अब अपन लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। बट घंटों घंटों टाइम पास कर रहे हो, पूरा दिन में कुछ भी नहीं किया, आहा खावानू पीवानू मज्जा नहीं लाइफ, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। तो वो इन दैट केस आपको पता नहीं चल रहा है, बट आप आपका फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो, इन दैट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आज से वेस्ट ऑफ टाइम लाइफ में नहीं करने का, क्योंकि पता है ना क्या वो समय, क्या वो टाइम वापस आने वाला है क्या, जब नहीं आने वाला है तो जितना है जो है उसमें प्रॉपरली जी लेते हैं, है कि नहीं। और मेरा तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ऐसा मेहनत करो मंडे टू फ्राइडे कि सैटरडे संडे मजे करने में मजा है। अगर मैं देखो ह्यूमन बीइंग हूं मैं भी, मेरी भी इच्छा होती है मंडे टू फ्राइडे मैं इतना मेहनत करूं कि सैटरडे संडे एंजॉय कर सकूं, बट कुछ मंडे टू फ्राइडेज मेरे ऐसे जाते हैं जहां पे मैंने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ गए हैं भाई, ऑब्वियसली इतना एज हो गया है तो हर मंडे टू फ्राइडे तो काम नहीं किया होगा। मैं आपको बता रहा हूं जो मंडे टू फ्राइडे मैंने काम नहीं किया है ना, उस सैटरडे संडे में मेरे को एंजॉय करने में मजा भी नहीं आया है। हाँ बता रहा हूं मैं आपको, मजा तब आएगा मजा करने में जब पीछे काम किया होगा। आप जितना अच्छा पढ़ाई करोगे ना, उतना एंजॉयमेंट आपको वर्थ लगेगा, जितना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना एंजॉयमेंट से आपको चिड़ मचने लगेगी, आपको लगेगा कि क्या यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस में आ रहा हूं, मैंने काम भी नहीं किया, एंजॉय भी कर रहा हूं, मालूम पड़ा दोनों भी हाथ में नहीं आया, समझ रहे। तो उससे अच्छा क्या करने का, इधर फोकस करने का, ऑटोमेटिकली ये मजा आएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, फिलोसॉफी वाली बात है, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। सो कभी भी आपको लगेगा ना, अरे मेरा भाई किसी की शादी है, ठीक है, तो शादी में अपन लोग एंजॉय करने वाले, उसके पहले का 10 दिन इतना मेहनत कर लो कि वो शादी एंजॉय करने में मजा आए। कहीं पे बाहर घूमने जाना है, समझ रहे हो, आपका एग्जाम है, से फॉर एग्जाम्पल जनवरी में, मई में, सितंबर में, जब भी आपका एग्जाम है, आप बोलते हो यार बस अब अपने को लाइफ एंजॉय करना है एग्जाम के बाद। अब अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं मई में आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, तो आपको जब पता है कि आपका मई में एग्जाम है, क्यों ना उसके 2 महीने पहले इतना मेहनत कर ले कि वो मई के बाद जो वेकेशन मनाए ना अपन लोग एग्जाम के बाद, हाँ, यादगार रहे। सो दैट्स हाउ द सिस्टम शुड बी, राइट। सो ऑन दैट नोट, ऑन दैट फिलोसॉफिकल नोट, मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही है, ठीक
ठीक है, फाइनेंस आया बट उसको अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, देन इन दैट केस एवरीथिंग कैन गो फॉर अ टॉस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। क्या आप लोग ने श्री अमिताभ बच्चन का नाम सुना है गाइस? क्या लगता है आपको उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है? क्या लगता है आप लोगों को उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है? अब आप बोलोगे सर सदी के महानायक है वो, तो अमिताभ, श्री अमिताभ बच्चन, ही इज द माइन करोड़पति, ये वो, सर कितना पैसा है उनके पास आज की तारीख में? मैं आपको बता दूं, आप उनके पेरेंट्स को पूछना, अमिताभ बच्चन का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा रहा है। पहले उन्होंने बहुत सारी मूवीज फ्लॉप दी, फिर उनकी एक दो मूवीज हिट गई, फिर वो सुपरस्टार बन गए, फिर उन्होंने खुद की एक कंपनी चालू की, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड में क्या हुआ पता है? उन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया, एंड दिस ABCL केम क्रैशिंग डाउन, दिस ABCL केम क्रैशिंग डाउन, और वो बैंकरप्ट हो गए। अमिताभ बच्चन, यस, आज से कुछ साल पहले उन्होंने बोल दिया मैं बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं है, बात खत्म। फिर उनको मिला कौन बनेगा करोड़पति इस लेवल पे, फिर उन्होंने वापस मेहनत की और आज वापस से टॉप पर है। तो फाइनेंस को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया ना, तो आप यहां पे होते हुए भी यहां पे आ सकते हो। किसने सोचा होगा जब इस आदमी ने ABCL टॉप लेवल पे आके चालू किया होगा कि यहां पे आ जाएगा वो? पता है क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्यों ये ABCL से यहाँ पे आ गया? चलो ये तो अमिताभ बच्चन थे तो इसके लिए यहां से यहां वापस आ गए, हर कोई नहीं आ सकता बॉस। क्यों ये हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं किया। और ये खाली एक अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल नहीं है, और एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। एक नाम है, नाम तो सुना होगा, माइक टाइसन, बॉक्सिंग स्टार है, आजकल नेटफ्लिक्स पे भी उनका कुछ एक सीरीज भी आया है। माइक टाइसन के पास कितना पैसा था आपको पता है? आप सोच भी नहीं पाओगे। माइक टाइसन के पास एक टाइम पे थे 500 करोड़ रुपए। क्या बोला? 500 करोड़। बॉक्सर है, इसके बारे में कभी तुम लोगों को सर्च करना हो तो करना। 500 करोड़ का बंदे, मतलब 500 करोड़ में तो अपने को कितना पता भी नहीं है, जीरो कितना होता है, मतलब इतना चित्कार पैसा था इस बंदे के पास, कितना? 500 करोड़, ठीक है। और कुछ सालों बाद इस लेवल पे आ गया ये बंदा कि हो गया बैंकरप्ट, एब्सोल्युटली बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब जीरो, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब साला आदमी के पास 500 करोड़, इधर अपने पास कोई अपने को 50,000 भी दे दे तो अपने को लगता है हाँ हाँ भाई हम ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। बट आप सोचो ना, 500 करोड़, ये ABCL, जब ABCL भी अमिताभ बच्चन ने चालू किया होगा उनके पास भी 500 करोड़ होगा भाई, जीरो पे आ गए। इस आदमी के पास भी 500 करोड़ था, जीरो पे आ गया। वापस मेहनत करके आ गए अच्छे लेवल पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर उस फाइनेंस को मैनेज नहीं किया बराबर से, तो ऐसा हालत हो सकता है। और इसके लिए आप लोगों को एट प्रोफेशनल लेवल ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप या आपके क्लाइंट का हालत ऐसा ना हो जाए, आप या आपके क्लाइंट का हालत ऐसा ना हो जाए, इसके लिए अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मानते हो कि नहीं इस बात को? दो एग्जाम्पल दिए मैंने, अमिताभ बच्चन हाय हाय सर 500 करोड़ से जीरो, माइक टाइसन 500 करोड़ से जीरो। और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल हियर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। द रिलायंस प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड से फॉर एग्जाम्पल 50% इज टू 50% बिटवीन टू पर्सन। कौन है वो? ऑब्वियसली धीरू भाई अंबानी के बेटे, एक था मिस्टर मुकेश अंबानी, नाम देखो, और दूसरे का नाम अनिल अंबानी, ठीक है। दोनों को दिया 50,000 करोड़। अरे साला अपने तो नींद में भी इतना पैसा नहीं आता है, अपना तो कैलकुलेटर भी इतना बड़ा नहीं है कि 50,000 करोड़ लिख पाए, ये बंदे लोग कमा के बैठे हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद इनको मिल गया इतना पैसा, ठीक है। 10 साल इसने काम किया मेरे भाई ने, 10 साल इसने काम किया। मुकेश वॉज अ वेरी यू कैन से कंजर्वेटिव पर्सन, फोकस्ड ऑन बिजनेस।
आज इस 50,000 करोड़ का 10 साल के बाद, ये फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करने के बाद, इसका वैल्यू हो गया है 5 लाख करोड़। और 50,000 करोड़ का यहां पे भी 10 साल के बाद हो गया है नील, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। यस, दैट्स ट्रू, सो ट्रू। नाम भी कैसा रखा है यार, माँ बाप ने बचपन में नाम रख दिया मू कैश। क्या उनको पता था ये बंदा कैश में खेलेगा? और अनिल, क्या उनको पता था कि पैसे को नील कर देगा? पता नहीं। एनीवेज, द बॉटम लाइन इज दैट एट आर लेवल, अगर ये फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज किया होता तो कहां से कहां पहुंच सकते हो। ठीक है, मुकेश भाई ने, जैसे ही उनका ये बंटवारा हुआ ना, उन्होंने मेरे पास से, ए किसी को बोलना मत, मैं एक टॉप सीक्रेट बता रहा हूं, किसी को मत बोलना। मुकेश भाई मेरे पास आए और मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर लेके गए। बोले सर आपका पेन ड्राइव दे दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सर पैसा आ गया बहुत सारा, सर कैसे मैनेज करना है? मैं बोला अरे मैं आता हूँ ना। उन्होंने बोला सर आप तो आ ही जाओ मैनेज करने के लिए, सर आपका FM का लेक्चर भी दे दो ना, किसी को बोलना मत। पर अनिल को भी मैंने बोला, मैं बोला भाई मेरा लेक्चर ले ले। अनिल भाई बोले नहीं 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 मेरे को आता है यार, मेरे को बहुत आता है अच्छी तरह से मैनेज करने को। मैं बोला ठीक है अनिल भाई, देख लेंगे। 10 साल बाद अब अनिल भाई भी अपना लेक्चर लेके गए ना भाई, और आज की तारीख में नोट करना, अनिल भाई इज बैक, बैक टू फॉर्म। क्यों? मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे लेक्चर की वजह से, यार मेहनत कर रहा है बंदा। हाँ वैसा, जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज अगेन अ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल फॉर अस। सो क्या क्या डिफरेंस रह गया? दोनों के पास था ही 50,000 करोड़ रुपया, बराबर है। क्या डिफरेंस रह गया? यस, द डिफरेंस वॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग्स अदर थिंग्स। अब अगर आप फाइनेंशियल को, फाइनेंस को मैनेज नहीं करोगे ना ढंग से, देन इन दैट केस दिस इज वेयर यू विल रीच टू। एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद मैं और चीजों के ऊपर आऊंगा, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं यूजुअली ये सीए फाइनल में ये एग्जाम्पल देता हूं, बट अभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। क्या आप लोग ने डीमार्ट का नाम सुना है? एवरीबॉडी, तुम लोग सब लोग ने डीमार्ट का नाम तो सुना ही होगा। डीमार्ट तो अभी आया है, मैं बोलता हूं डीमार्ट तो लास्ट 10 साल में आया है, 1999, ठीक है, 2000 की बात है, ये उन दिनों की बात है जब एक ऐसी ही सुपरमार्केट कंपनी आई इंडिया में। एक बंदा था चेन्नई से, एंड दिस पर्सन वॉज अ आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट। क्या बोला? आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट। भाई ये बंदा, ठीक है, सुपरस्टार निकला। चेन्नई में इसने दो रिटेल सुपरमार्केट स्टोर्स खोले, नाम था सुभिक्षा रिटेल। ठीक है, 2 से 50, 50 से 200, पूरे इंडिया में ये लोग ने तहलका मचा दिया। इस कंपनी का वैल्यू 2007 में टर्नओवर हो गया, से फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ प्लस। अब आप सुनना ध्यान से, 2007 में इस कंपनी का टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, तुम लोग सेल्स तो समझते हो ना बेटा, रेवेन्यू, इस कंपनी का सेल्स है 1,000 करोड़ प्लस इन द ईयर 2007। गाइस, 2008 में ये कंपनी हो गया बैंकक्रप्ट, जीरो, नील बट्टा सन्नाटे। सोचो भाई, आपकी कंपनी 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है एक साल में, और उसके अगले साल में जीरो। सर ऐसे कैसे हो गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कभी पढ़ना इसकी केस स्टडी, मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को इसकी केस स्टडी जरूर करवाऊंगा। एंड द मेजर रीजन इज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर ये वर्किंग कैपिटल क्या है, ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर में आगे। बस बता रहा हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक चैप्टर है, उसको आप ढंग से मैनेज नहीं कर पाए और आज अपनी हालत देख लो, एक साल में खत्म, गेम ओवर। ठीक है, बट डीमार्ट का मैंने क्यों यहां पे नाम लिखा, क्योंकि वैसा ही सेम डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बिजनेस मॉडल पे स्टार्ट हुआ था डीमार्ट के भी पहले, और डीमार्ट के पहले बंद भी हो गया। डीमार्ट तो आज की तारीख में लिस्टेड कंपनी है, बहुत अच्छा कर रही है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। समझ रहे आप लोग? सो बेसिकली द रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड लास्ट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसका नाम है श्री राकेश
झुनझुनवाला ऑब्वियसली इज नो मोर विद अस राइट नाउ, बट व्हाट एन इंस्पिरेशन. तुम लोग जो बोलते हो ना सर स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, सिर्फ सुनना इनकी कहानी, सिर्फ सुनना इनकी कहानी. स्टॉक मार्केट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 10,000 रुपए लेकर इन्होंने मार्केट में अपनी एंट्री ली थी 1980s में, ठीक है. 40 साल बाद 2020 में, ठीक दिस पर्सन फ्रॉम 10,000 रुपीज इज वॉज नाउ वर्थ 10,000 करोड़. ये भी मैं कम लिख रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा ही होगा पैसा. जी हाँ, इस फाइनेंस को कैसे मैनेज किया, कैसे सही तरीके से लगाया मार्केट में. सर हमको भी स्टॉक मार्केट सीखना है अब तो, सर हमको भी 10,000 का 10,000 करना है. अरे रुको जरा, सबर करो, सब होगा. 40 साल लगे भाई साहब, ऐसा ये दिख रहा है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है. 40 साल की तपस्या थी वो, और उसका ये ऑब्वियसली ही गॉट वॉट ही वॉन्टेड. सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, दैट्स हाउ द होल थिंग इज. 10,000 का 10,000 करोड़. वैसे ही लोगों के करोड़ के जीरो भी हुए, क्यों? फाइनेंशियल मैनेज. ये देखो ना अपने सामने है भाई, सामने है ना. या ये माइक टाइसन भी यहाँ पे ही था. माइक टाइसन भी बेचारा बहुत गरीब था, यहां से यहाँ पे आया, वहां से एकदम ऊपर पहुंचा, वहां से एकदम नीचे आ गया. सब गेम किसका है भाई, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका है. तो इसके लिए ध्यान से पढ़ना, बता रहा हूं मैं आपको. अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं चैप्टर्स की तरफ, कि कौन से चैप्टर्स है यार ऐसे जो अगर ढंग से कर लिए देन इन दैट केस अपना काम हो जाएगा. तो अपन लोग कर रहे हैं क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस का मतलब आज की तारीख में क्या है? फाइनेंस का मतलब आज की तारीख में आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं. एकदम सिंपल लैंग्वेज रखने का. लाइफ में जितना सिंपल रहोगे ना उतना आगे बढ़ोगे, जितना चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे. बता रहा हूं मैं, सिंपल रखो लाइफ, एकदम सिंपल रखो. पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती. ये चीज लोग समझते नहीं है, उल्टा कर लेते हैं. पढ़ाई के टाइम पे मस्ती करते हैं, मस्ती के टाइम पे इनको पढ़ाई याद आती है. ऐसे कैसे चलेगा दीदी. सो कीप इट सिंपल. आज के बाद आपको कोई पूछे फाइनेंस क्या है बेटा, देन इन दैट केस उसको बोलने का एनी काइंड ऑफ मनी, मनी इन एनी फॉर्म इज फाइनेंस. सिंपल बॉस, खत्म. क्या बोला मैं, देखो, मनी इन एनी फॉर्म इज फाइनेंस. क्या रे वो, मैं बोला मनी इन एनी फॉर्म, मनी इन एनी फॉर्म इज फाइनेंस फॉर मी. अब इस मनी का मैनेजमेंट करना है, मनी का मैनेजमेंट करना है. मैनेजमेंट मतलब इसको प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है. अब मनी मैनेज करने के लिए, हेलो सुनो ना, मनी मैनेज करने के लिए मेरे पास पैसा होना भी तो चाहिए. आज की तारीख में मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग का मनी है ना, आप लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं करूंगा, आप लोग का मनी मैनेजमेंट मैं करूंगा, आप मेरे पे हंसोगे. क्यों? आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो मनी नहीं है, उसको मैनेज क्या करोगे. समझ रहे हो? तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास, मनी. तो मनी अपने पास पहले होना चाहिए, मतलब इनफ्लो. बराबर है, पहले तो पैसा आया भाई. अमिताभ बच्चन के पास तो पहला पैसा आया, फिर वो डूब गया ना. यहाँ पे हमारे मुकेश अंबानी के पास 50,000 करोड़ आया, अनिल के पास 50,000 करोड़ आया, फिर उसका 5 करोड़ कैसे किया, जीरो कैसे किया, वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाए या कोई कर पाया. तो उसके लिए पहले मेरे पास पैसा आना तो चाहिए. या इसके पास 10,000 था, फिर इसने उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट किया, तो वो 10,000 1 लाख बना, 1,10,000 बना, तो इनफ्लो आया. तो पहले इनफ्लो तो आए, फिर ये इनफ्लो को क्या करना है अपने को, प्रॉपरली मैनेज. अब आ जाता है इधर मैनेज. तो पहले फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब मनी, मनी मतलब इनफ्लो आ जाए. अब फिर बाद में मैं इसको मैनेज करने के लिए जाऊंगा. तो मैनेज करना मतलब कहां पे पैसे को लगाना है, कैसे प्रॉपरली यूज करना है, विच इज नथिंग बट द आउटफ्लो. अब आउटफ्लो मतलब ऐसा नहीं खर्चा करो, चलो पैसा आया पार्टी करो, चलो अनाप शनाप कहीं पे भी कोई भी चीजें ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, नहीं.
कहां पे उसको इन्वेस्ट करना है। रियल एस्टेट में 1 करोड़ इन्वेस्ट करो ताकि वो 1 करोड़ का 10 करोड़ हो जाए, स्टॉक मार्केट में 50 लाख करो ताकि वो 50 लाख का 5 करोड़ हो जाए, तो उसको मैनेज करना बोलते हैं। वो प्रॉपरली अगर मैनेज किया देन इन दैट केस आप बिजनेस करना सीख गए। सो इनफ्लो आएगा फाइनेंशियल, उसको मैनेज करना है आउटफ्लो। समझ रहे हैं आप लोग? बस इसी 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 पूरे कश्मकश का नाम है, इसी पूरे कश्मकश का नाम है द सब्जेक्ट कॉल्ड एज, दैट्स राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट्स राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ए समझ गुड एवरीबॉडी? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? ठीक है। अब सर ये इनफ्लो कहां से आएगा? सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। सर ये आउटफ्लो कहां पे करेंगे? ठीक है, तो आउटफ्लो बिजनेस में करना है। ये पैसा बिजनेस चालू करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, तो बिजनेस में पैसा लगाऊं, हाँ ना? या फिर पैसा मैं ऐसा करता हूं स्टॉक में लगा देता हूं, और जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो बस सीधा का सीधा राकेश झुंझुन वाला ही बन जाएंगे। हो सकता है स्टॉक मार्केट में भी नुकसान हो सकता है, तो उधर भी फाइनेंस लगाने के बाद भी उसको मैनेज करना ही है जिंदगी भर तक, जिंदगी भर तक मैनेज तो करना ही है। रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया सर अब तो बढ़ेगा ही, जरूरी नहीं है। अगर वो एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आपके रियल एस्टेट का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो इनफ्लो आउटफ्लो फाइनेंस मैनेजमेंट, ये एक बोलते हैं ना कैट एंड माउस है भाई, साथ में ही हैंड इन हैंड ऑलवेज लाइफ टाइम चलते ही रहेगा, लाइफ टाइम चलते ही रहेगा, राइट। बट अगर ये आउटफ्लो को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो ये इनफ्लो बर्बाद हो जाएगा। सो ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू मैनेज ऑल ऑफ दैट, एंड इसी के लिए ये सब्जेक्ट कर रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे धीरे, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया, काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे एग्जाम्पल जो अमिताभ बच्चन, जो यार दिन रात अपन मतलब सुपरस्टार, माइक टाइसन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेके गए आपको। फिर बाद में अपन लोग आए मुकेश अनिल के पास, स्पेशली अनंत अंबानी के शादी के बाद तो मुकेश भाई कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए, है कि नहीं? तो वो अपन लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। डीमार्ट, रोज अपने घर पे सामान अगर सस्ता मंगवाना है रोज का तो डीमार्ट से आएगा। डीमार्ट जैसे ही कंपनी का कैसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या हाल हुआ ये अपन लोग ने देखा। राकेश झुनझुनवाला, इट इज ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर पीपल लाइक अस बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहने का मतलब एक प्रोफेशनल, अपने को लगता है खाली बिजनेसमैन ही पैसा कमा सकता है, भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने करोड़ का मालिक है, जितने करोड़ मोबाइल में अपना ये कैलकुलेटर में आते ही नहीं है, जितने करोड़ अपन को गिनती में भी नहीं आएंगे उतने करोड़ का ये मालिक है। क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ प्रोफेशनल, दैट्स इट। सो बिजनेस हो, सुपरस्टार हो, बॉक्सर हो, इनहेरिटेड वेल्थ हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ये तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। और ये क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या है? इट इज सिंपल, मैनेजमेंट ऑफ मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मानते हो कि नहीं? अब मेरे एग्जाम्पल से, मेरे कनेक्शन से समझ में आ रहा है तुम लोगों? बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? इट इज मैनेजमेंट ऑफ मनीज, मैनेजमेंट ऑफ मनीज क्या? इनफ्लो एंड, करेक्ट, आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट। लिख लिया? डन सर, लिख लिया। ये ऐसा है, इतना बेसिक एग्जाम्पल या इतना बेसिक डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, बट ये याद रखना जिंदगी भर एंड यू विल रियलाइज दैट यस यही कनेक्टिंग वाली चीज है। अब आ जाते हैं अपन लोग, फाइनेंस जमा कैसे करना है भाई, मनी लाना कैसे है, इनफ्लो लाना कैसे है। तो इनफ्लो, मुझे अब आप आंसर दे सकते हो, मुझे चाहिए पैसा, ठीक है। मेरे को सपोज फॉर एग्जांपल बिजनेस चालू करना है, मुझे पैसा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। कहां से आएगा वो पैसा बेटा? उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्सेज ऑफ फंड। मैं जॉब करके भी पैसा कमा सकता हूं, मैं बिजनेस करके भी पैसा कमा सकता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में डाल के भी पैसा कमा सकता हूं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए मेरा सोर्स ऑफ फंड क्या है। अब मैं अगर आप लोगों को एक बिजनेस के एंगल से पूछूं, बिजनेस सोर्स ऑफ फंड्स कहां से जनरेट कर सकता है? बोलो बोलो, चल चल गाइस, बिजनेस सोर्स ऑफ फंड्स कहां से जनरेट कर सकता है बताइए एवरीबॉडी। कहना इसे बिजनेस को अगर पैसा चाहिए तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा जमा कर ले, बराबर है, हो सकता है वो लोन ले ले मार्केट से, हो सकता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा जमा कर ले, बहुत सारी जगह है। आप लोगों को भी पता है, आप लोग के भी एग्जांपल सही बोल रहे हो। आप लोग बोलोगे सर डिबेंचर से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, ना नहीं बोल रहा हूं, कोई भी बहुत सारे जरिए, मैं इधर लिख देता हूं एट सेट्रा। अब मेरा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, एंड दैट इज गोइंग टू बी, अभी सुनो, मैंने है ना इस सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को है ना, 3 फेज में डिवाइड किया है। एक है फेज 1, एक है फेज 2 और एक है फेज 3। सर क्यों आपने ऐसे डिवाइड किया है, सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, मेरे पीछे का साइंटिफिक डिसीजन, एक एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लेना, बट बहुत आपको एक एक चीज में ना डेप्थ दिखेगा। अच्छा सर एफा, ओ ये बात है, तो आप लोगों को ऐसा डेप्थ दिखेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं इधर कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख, हाँ भाई, सो सोर्सेस ऑफ फंड्स लाने के लिए मेरे पास इक्विटी कैपिटल भी है, लोन भी है, प्रेफरेंस भी है, डिबेंचर भी है, क्या कहीं से भी मैं फंड ले आऊंगा क्या? तो ये फंड कहां से आना चाहिए बिजनेस में गाइस, ये फंड कहां से आना चाहिए बिजनेस में, ये अपने को सिखाएगा अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कहना इससे मेरे को अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो मुझे फंड्स जमा करना पड़ेगा, मुझे कैपिटल जमा करना पड़ेगा। ये कैपिटल जमा करने के बहुत सारे तरीके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कोई लोग बोल रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स, बराबर है, एकदम बराबर है। अरे भाई ऐसे हजारों तरीके आज की तारीख में आ गए हैं, स्टार्टअप का दुनिया है यार, स्टार्टअप का जमाना है कि नहीं? सो अगर इतने सारे मेरे पास जरिए है, इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कहां से कितना पैसा लू। एंड दैट इज माई फर्स्ट चैप्टर गाइज, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरा कैसा होना चाहिए। तुम लोगों को चैप्टर के नाम याद नहीं रखना है, तुम लोगों को खाली ये एग्जाम्पल याद रखना है, खुद ही देखो, अपने मुंह से चैप्टर का नाम निकलवा दूंगा ना, मेरा नाम बदल देना अगर नहीं निकलवा पाया तो, पर आई एम श्योर आएगा। समझ में आया तुम लोगों कि कैपिटल कितने सारे हैं, इसमें से कौन सा कैपिटल लू तो अच्छा रहेगा, उसके लिए मेरे को असिस्टेंस चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लेता हूं तो मेरे को मेरा ओनरशिप छोड़ना पड़ेगा, कैसे क्या वो सब आप आगे डिस्कस करेंगे। लोन लेता हूं तो बैंक वाले को हर महीना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेता हूं तो इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा। एंजल इन्वेस्टर लेता हूं, देन इन दैट केस आईपीओ के टाइम पे उसको बहुत सारा रिटर्न, 10x रिटर्न लाके देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल और जवाब मेरे को देगा मेरा नेक्स्ट चैप्टर गाइस, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई ये अगर मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो वो कैपिटल खड़ा करने के लिए खर्चा कितना लगने वाला है, करेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक बात बताओ मुझे, सपोज आज ऊपर वाले की दुआ से, ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, आप लोग बोलते हो कि सर हम लोग को थोड़ा लोन चाहिए, 5 साल के लिए लोन चाहिए, घर बनाना है सर, 5 साल में आपको आपका पैसा वापस दे देंगे। मैं बोला अरे आप तो मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं। अब आप मेरे को बोलते हो सर बस इसी विश्वास के ऊपर 50 लाख रुपया हमारे को लोन दे दो सर, हमारे को घर बनाना है। पर आप टेंशन मत लो सर, हम तो सीए बन जाएंगे और हमारे पास फिर रेगुलर इनकम आएगा, उससे हम लोग आपका पैसा रिपे कर देंगे, आप टेंशन मत लो।
मैं बोला ठीक है, ये बात भी सही है, पूरा विश्वास है उस चीज का भी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या गाइस, एक मेरे को एक बार बात बताओ, क्या मैं 50 लाख आप लोगों को जो दूंगा वो फ्री में दे दूंगा या उसके ऊपर कुछ क्या लूंगा मैं आप लोगों से, बोलो क्या लूंगा मैं। चलो कह रहा इसे उसके ऊपर सर, सीधी सी बात है, आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे सर, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करोगे सर, कि भाई आप बोल दोगे सर 10% इंटरेस्ट पर एनम 50 लाख के ऊपर, तो 5 लाख पूरा साल का आपको इंटरेस्ट देने का, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। वो जो इंटरेस्ट मैं चार्ज कर रहा हूं ना बेटा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटा उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ए समझ गए एवरीबॉडी, गॉट इट। अब इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सच दैट कम कॉस्ट में काम भी हो जाए, ओनरशिप भी ना जाए, सब चीजों का ध्यान रखना है। भाई एक बात बताता हूं मैं, अगर मैंने लोन लिया या डिबेंचर लिया तो मेरे को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मैंने इक्विटी से पैसा लिया तो इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा, पर वो कंपलसरी नहीं है, इधर उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, बट इधर मेरा ओनरशिप चले जाएगा, इधर मेरा डिबेंचर में ओनरशिप नहीं जाएगा। अरे बाबा कैसे डिसाइड करूं, उसी के लिए चाहिए आपको एक प्रोफेशनल। मैं बताऊंगा आपको, भाई देखो इधर ओनरशिप जा रहा है पर इधर आपका कॉस्ट जा रहा है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए कि दोनों चीज बैलेंस हो जाए, दोनों चीज बैलेंस हो जाए। ए समझ गुरु एवरीबॉडी, चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब तीसरी चीज, अगर इन दोनों को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया देन इन दैट केस आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट की वजह से वेल्थ बहुत बढ़ सकता है, बट ये बराबर बटन दबना चाहिए, और उसके लिए अपना तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लेवरेजेस। मैं एक बात बताऊं आपको, तुम लोग ने ये वर्ड सुना है लीवर, लीवर हैंडपंप देखा है कभी, हैंडपंप, हैंडपंप है ना, हैंडपंप में वो जो लगा हुआ था ना उसको बोलते हैं लीवर, जैसे ही आप हैंडपंप को ऐसे दबाओगे, याद है ना वो गदर का डायलॉग सनी देओल का, 2 किलो का हाथ है, जब उठ लगता है तो आदमी उठ नहीं उठ जाता है, बराबर के नहीं, तो वो जब वो लीवर को प्रेस करता है तो पानी आता है, जब वो लीवर को छोड़ देगा तो पानी नहीं आएगा, वैसा ही कुछ है ये चैप्टर लेवरेजेस में। अगर अपन लोग ने अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको प्रॉपर बैलेंस करना है, उसके लिए गाइडेंस देगा अपने को लेवरेज, और उसको अगर अपन लोग ने प्रॉपरली मैनेज कर लिया ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट वेल्थ भर भर के आपके पास आएगा। बट अगर ये दबाया बराबर, तो अगर वो लीवर को आप ऐसे करोगे, ऐसे करो भाई, लीवर को नीचे दबाओगे तब पानी आएगा, अगर लीवर को आप ऐसे करोगे, आप लीवर को ऐसे करोगे, आप लीवर को ऊपर करोगे तो पानी आएगा क्या, बस ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी। लेवर को, लेवरेजेस को, डेट को, कितना इक्विटी कितना डेट कितना प्रेफरेंस, उसको बराबर मैनेज किया, उसको बराबर नीचे दबाया तो पानी आएगा, प्रॉफिट और वेल्थ बढ़ेगा, अदरवाइज उल्टा भी हो सकता है। क्यों इतनी सारी कंपनीज 0 से 100 पे भी पहुंचती है और क्यों कुछ कंपनीज 100 से -negative पे भी पहुंच जाती है, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। ये था मेरा बेटा, ये था मेरा फेज 1 के 3 चैप्टर। सर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, डोंट वरी। ये था मेरा फेज 1 के 3 चैप्टर्स, एंड दोज चैप्टर्स आर कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, पढ़ने में मजा आएगा, साथ में पढ़ाऊंगा। और क्यों मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है, क्योंकि 50 में से 15 से 20 मार्क्स समझ लो इन 3 चैप्टर में से आने वाला है, जी आने वाला है, जी हाँ। अब सुनो, पैसा आ गया, पैसा आ गया, कहां से पैसा लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए सर, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट थोड़ा प्रेफरेंस डिविडेंड थोड़ा लोन, और उसका कॉस्ट भी हम लोग बराबर पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग का प्रॉफिट और वेल्थ अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग ने प्रॉपर लेवरेज को मैनेज किया। बेटा ये जो लेवरेज है ना, ये इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, ये इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, ये इन दोनों को कनेक्ट कर देगा। सो सर लेवरेज प्रॉपरली कनेक्ट किया तो हमारा है ना
कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब एकदम बैलेंस आउट हो चुका है, सब एकदम बैलेंस आउट हो चुका है। अब सर इतना सारा पैसा आया है, सर उसका क्या करेंगे? उसको अपन लोग लगाएंगे फेज टू में, उसको अपन लोग लगाएंगे फेज टू में। तो ये जो मेरा फेज वन था ना, ये आप लोग ने नोट किया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट देख लो ये फेज वन था, इनफ्लो का फेज। पैसा आया। फेज टू क्या होगा? करेक्ट, फेज टू होगा आउटफ्लो का फेज। इसमें सर कौन से चैप्टर अपन लोग करने वाले हैं, आओ ना बताता हूं। इसमें अपन लोग अब आउटफ्लो की बात करेंगे। बॉस इतना सारा पैसा आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, लेवरेज से, सर अच्छा खासा सर लाखों रुपए आ गए, करोड़ों रुपए आ गए। अब इनको कौन से प्रोजेक्ट्स में लगाना है? ऐसे प्रोजेक्ट में जहां से पॉजिटिव कैश फ्लोज मिले। कैश फ्लो समझते हो? पैसा, कैश यार, कैश का फ्लो, पैसा। जहां से पॉजिटिव कैश फ्लो मिले, तो पहले तो आउटफ्लो करना पड़ेगा, फिर वापस से इनफ्लो होगा, बराबर कि नहीं? तो वो आउटफ्लो कैसे, कहां पे लगाना है? ऐसे जगह पे, ऐसे बिजनेसेस में जहां पे अपन लोग पैसा बराबर से इन्वेस्ट कर सके। इसके लिए बनाया चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। इसको प्यार से लोग प्रोजेक्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको आप प्यार से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल सकते हो। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल सकते हो। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सो ये है मेरा फेज टू, कैपिटल बजटिंग, जिसको प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल सकते हैं। बट ये कैपिटल बजटिंग में पहले आउटफ्लो होगा, ध्यान रखना, पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, फिर 2 3 5 साल बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? पैसा कमाना आप स्टार्ट करोगे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। अब मैं आपको एक बात बोलू, ये चैप्टर अभी आपको बेसिक लेवल पे है और ये आपको फाइनल लेवल पे भी पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग फाइनल लेवल पे भी आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूं। दूसरा दूसरा सुनो, अभी आउटफ्लो की बात चल रही है, अब सुनो, बेचारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में तुम लोग ने कुछ इक्विटी शेयर से भी पैसा लिया रहेगा, बराबर है? अब उनको, इक्विटी शेयर होल्डर को भी तो कुछ दो। आप लोग हर महीना डिबेंचर, लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो लोग सब लोग को पैसा दे रहे हो। हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको भी तो पैसा दो। तो उसको पैसा देना अगर है तो उसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पे एक कौन सा डिविडेंड? इक्विटी डिविडेंड की बात चल रही है। अभी डिविडेंड देते हो, जब आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हो तो आपकी कंपनी के पास पैसा आता है या पैसा जाता है? कहना इसे पैसा जाता है, आउटफ्लो डिसीजन। चैप्टर टू ऑफ फेज टू, डिविडेंड डिसीजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुभिक्षा रिटेल, जो कंपनी ने 1,000 करोड़ का बिजनेस किया था, टर्नओवर किया था, सेल्स किया था, आपको पता है वो कंपनी क्यों बैंकरप्ट हो गई? क्योंकि उन्होंने, अब जो मैं चैप्टर का नाम बोल रहा हूं ना, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज मैं आपको 10 करोड़ कैश देता हूं, 10 करोड़ कैश देता हूं, या मैं आपको 10 करोड़ के वैल्यू का घर देता हूं, आप किसको चूज करोगे? 10 करोड़ कैश या 10 करोड़ के वैल्यू के घर, किसको चूज करोगे? सोच समझ के बताओ। जो गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने कहीं पे बुक में लिख दो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बातें। आप बोलोगे सर 10 करोड़ की अगर बात है ना, तो ऐसा करो आप पहले 10 करोड़ कैश दे दो। ये देखो सही जवाब, सब लोग कैश ही बोल रहे हैं। सर आप ऐसा करो 10 करोड़ कैश दे दो, कैश से हम लोग 6 करोड़ का घर खरीद लेंगे, 4 करोड़ उसका वो भी यूज करेंगे। अरे भाई मैं आपको 10 करोड़ का घर दे दिया, आप घर के खर्चे चलाने के लिए पैसा कहां से लाओगे? समझ रहे हो? तो बिजनेस में ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आया तो पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग में, प्रोजेक्ट में लगा दो। कुछ पैसा आपको अपने पास भी रखना पड़ेगा फॉर आपका डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। एंड सुभिक्षा रिटेल ने यही गलती की। देखो मैंने आप लोगों को सुभिक्षा रिटेल के टाइम पे है ना बोला था कि उसने क्या किया, 2 आउटलेट चालू किया, 2 से 50, 50 से सारा का सारा पैसा लगा दिया 200 स्टोर ओपन करने में। अब ये स्टोर तो ओपन हो गए,
अब इनका डे टू डे खर्चा कौन निकालेगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, खत्म। उनके पास पैसा बचा ही नहीं, और जब आपके पास पैसा बचा ही नहीं मतलब आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बराबर नहीं किया, आपको फेस करना पड़ा बैंकरप्सी, आपको फेस करना पड़ा बैंकरप्सी। और एक क्लासिक एग्जांपल है बायजूस, आप सोच सकते हो बायजूस यार मतलब क्या बंदा था, अपनी एडुकेशन इंडस्ट्री का, एडटेक इंडस्ट्री का मालिक, 20,000 करोड़ का वैल्यू वैल्यूएशन पे जीरो पे आ गया, खाली एक रीजन गाइस, खाली एक रीजन। ये तो आप लोगों की आंखों के सामने हुआ है, आपकी और मेरी आंखों के सामने हुआ है ये तो। ये देखो रिलायंस मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैंने देखा था जब उनका स्प्लिट हुआ था 50,000 करोड़ 50,000 करोड़, आज इसके पास 5 लाख करोड़ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। राकेश झुंझुनवाला का 10,000 का 10,000 करोड़ पूरा नहीं देखा है, बट मैंने देखा है मेरी आंखों से होते हुए। ये बायजूस का शाहरुख खान को भाई साहब ने रोप इन किया तो भी 20,000 करोड़ का जीरो हो गया, क्यों, उसका रीजन ये है बॉस। बायजूस के आप कोर्सेज देखो दे आर वेरी गुड, जिस स्टाइल में वो पढ़ाता है, वो बोलता है पाइथागोरस थ्योरम ऐसे करके ऐसे करने का, ऐसे करके ऐसे करने का, मतलब एकदम ग्राफिकल स्टाइल में, मजा आ जाए पढ़ने में। तो कंटेंट अच्छा है तभी 20,000 करोड़ तक पहुंचा होगा, बराबर है, कंटेंट में दम है। बंदा जब खुद बायजूस पर्सनली पढ़ाता था, एक साथ 2,000 लोग स्टूडेंट्स होते थे, एमबीए का टॉप मैनेज, टॉप क्लासेस, टॉप बुक्स ऑफ बायजूस, तो कंटेंट अच्छा है, बुक्स अच्छा है, सब अच्छा है, इसीलिए 20,000 करोड़ तक पहुंचा, फिर जीरो कैसे हो गया। आपको जवाब मिल गया है, आपको जवाब मिल गया है, समझ रहे हैं है कि नहीं, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। सो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली। सो इसके लिए क्या हुआ पता है भाई जी, उसके पास उसने अनाप शनाप खर्चा किया, शाहरुख खान को उसने लेकर आया, करोड़ों रुपए दे दिए, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। कतार में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पे भाई साहब करोड़ों रुपए लियोनेल मेसी के ऊपर डाल रहा है। अरे भाई इंडिया का कंपनी, इंडिया में फिलहाल तुम इन्वेस्ट करो ना, करना है तो कहां लियोनेल मेसी इंटरनेशनल के ऊपर डाल रहे हो। अब उनका ये कहना था पोस्ट बिकमिंग बैंकरप्ट कि हम लोग ने वहां पे इसलिए डाला क्योंकि हमको ग्लोबल ब्रांड बनना था। अरे पर पहले ग्लोबली चीजों को सेटअप करो, वहां से उतना पैसा कमाओ, वो पैसा कमाने के पहले, वो सेटअप करने के पहले भाई साहब ने लियोनेल मेसी को दे दिया करोड़ों रुपया। अरे भाई क्या क्या चल रहा है, चल रहा है ये कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ, कंपनी बंद, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया कंपनी के पास डे टू डे खर्चे करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आप 500 करोड़ दे रहे हो लियोनेल मेसी को, आप 500 करोड़ दे रहे हो शाहरुख खान को, आप करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो बाकी सब चीजों में, कंटेंट के ऊपर कौन काम करेगा। अरे वो भी करना है क्या, नहीं किया ना, खत्म। सो ये क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल को आप बराबर से मैनेज नहीं कर पाए, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इश्यूज। तो आप क्या नहीं कर पाए पता है, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फंड, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। तो लंबा तो सोचना ही है बट रोज का भी तो खर्चा निकलना चाहिए ना दीदी, नहीं निकलेगा तो एफए कैफे चलेगा, एंड दैट इज डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। समझ में आ गया गाइस, सो दैट इज अबाउट योर फेज टू। सर कितने मार्क का आएगा, ये भी 15 से 20 मार्क का गारंटीड, इसीलिए तो मैंने फेज में डिवाइड किया है बेटा। और अब आ रहा है अपना सबसे इजी फेज, फेज थ्री। ठीक है अब सुनो, अब अगर अपन लोग बायजूस के या अनिल अंबानी के या सुभिक्षा रिटेल के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते ना, तो अपन उनको बोलते भाई कैपिटल स्ट्रक्चर बराबर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रहा है बराबर, लेवरेज बैलेंस्ड है ना, दोनों बराबर ठीक है, कौन से जगह पे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, टाइम टू टाइम डिविडेंड देना ताकि शेयर होल्डर भी खुश रहे, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा है क्या, हाँ सर है। अब ये सबका एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना कि सही चल रहा है कि नहीं, तो नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपना रेशियो एनालिसिस। तो ये देखो, ये अपना पहला चैप्टर बना, ये दूसरा चैप्टर बना, ये तीसरा चैप्टर, मॉड्यूल के नंबरिंग के हिसाब से नहीं, लॉजिक के हिसाब से, समझ रहे हो। हाँ उन्होंने भी मेरी क्लासेस नहीं ली ना, सो स्मार्ट बेटा, 4 5 6 खुद क्लासेस के बिजनेस में थे पर मेरी क्लासेस लेना भूल गए यार। कोई बात नहीं बायजूस, अभी भी टाइम है, देख बेटा देख ले देख ले, तुम बायजूस को जानते हो तो पहुंचा दो उसको ये बात,
भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां से उसको करना है, समझ रहे हो ना। सो सुनो, अब ये सारी चीजें सही चल रही है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी पॉइंट नंबर 7, जिसको अपन बोलेंगे रेशियो एनालिसिस, जिसको अपन बोलेंगे रेशियो एनालिसिस, समझ रहे हो। ये सब चीजें, तो सर ये रेशियो एनालिसिस से क्या पता चलेगा, पता है, हेल्प्स टू एनालाइज कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, हेल्प्स टू एनालाइज कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन। अरे भैया कंपनी सही चल रही है कि नहीं, ये बायजूस 20,000 से जीरो पे आया, अनिल 50,000 से जीरो पे आया, अगर उन्होंने टाइमली रेशियो एनालिसिस कर लिया होता ना बेटा, देन इन दैट केस वो जीरो आने के पहले आपको मैं बता देता, जब आप 20,000 से 5,000 करोड़ पे आए ना, तभी मैं आपको रोक देता कि भाई ये रेशियो बराबर नहीं है अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी का करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझते हो ना, करंट लायबिलिटी करंट एसेट बैलेंस शीट उतना तो पड़ा होगा, है कि नहीं, बराबर कि नहीं। मैं आपको उनको बोल दूंगा, अरे अपना ना जो डेट है ना वो इक्विटी से ज्यादा है, अपना जो डेट है ना वो इक्विटी से ज्यादा है, मतलब रेशियोज में क्या है, गड़बड़ है सर, नहीं चलेगा ऐसा, तो आपको कुछ और करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अडानी, अडानी का नाम तो सुना होगा सेनोरिटा, अडानीज डेट इज मोर देन 2 लाख करोड़, बट उनका रेशियो स्ट्रांग है, मतलब सामने उनके पास उतना प्रॉफिटेबिलिटी भी है कि वो डेट के मैनेज कर पाए। 2 लाख करोड़ अगर डेट है तो 20 लाख करोड़ का उनके पास उतना वैल्यूएशन भी है, तो 2 लाख करोड़ मैनेज हो जाता है, समझ रहे हो क्या तुम लोग एवरीबॉडी। वैसा तो आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन रेगुलरली देखना पड़ेगा, कौन दिखाएगा आपको रेशियोज, आपका मार्क्स दिखाएगा, रेशियो इज लाइक योर मार्क्स, आपको मार्क्स दिखाएगा, वो कितना मार्क्स आ रहा है भाई, पहले 95% आता था बायजूस को, फिर 80% आ गया, फिर 60% आ गया, तो जब 60% आया ना उसको एग्जाम में, तो मेरे को पता चल गया बायजूस तू पढ़ाई बराबर नहीं कर रहा है, तो उसको कान पकड़ के सीधा करना पड़ेगा, सब फाइनेंस को बराबर मैनेज करना पड़ेगा, ताकि वो 60 से वापस 95 पे पहुंच जाए, समझ रहे हैं। और इसी के साथ ये फेज टू में और 2 चैप्टर्स आएंगे, 8 एंड 9, जो है मेरे थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर्स, जो है मेरे थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर, समझ रहे हैं। क्या ये थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर्स, पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी है तो तब आएगा तब देखेंगे, और दूसरा है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, भाई पैसा लाना कहां से वो तो बताओ, और स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो तो बताओ, सब बताएंगे। सो सर क्या अपन लोग यही सीक्वेंस में करने वाले, नहीं सीक्वेंस क्या होगा सब वो मैं आपको बताते जाऊंगा टाइम टू टाइम, जस्ट अब आपको क्या ये 9 चैप्टर्स ऑटोमेटिकली याद हो गए, क्या आपको रटना पड़ेगा, नहीं ऑटोमेटिकली आपको समझ याद आ जाएगा। अच्छा सबसे पहला तो पैसा आए तो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रखूं, ये हो गया आपका पहला चैप्टर, और ये कैपिटल के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा चैप्टर, क्या इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस है क्या, उसके लिए करना पड़ेगा लेवरेजेस, पैसा आ गया है अब उसको मैं लगाऊं कहां पे, उसके लिए चैप्टर आएगा कैप कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से इन्होंने मॉड्यूल में दिया होगा एज द केस। अब भाई देखो कैपिटल स्ट्रक्चर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रेगुलरली डिबेंचर होल्डर प्रेफरेंट होल्डर ये लोगों को तो दे रहा हूं, बाकी लोगों का क्या, उसके लिए मेरा फेज टू का नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा डिविडेंड डिसीजन, और भाई रोज का खर्चा ही नहीं निकल पाएगा तो फायदा क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड देन फाइनली आता है मेरा फेज 3, देन आता है मेरा फेज 3, फेज 3 में ये सब चीजों को एनालाइज करता है मेरा चैप्टर, जिसका नाम है बेटा रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, एंड देन फिर बाद में आपके और 2 चैप्टर्स है थियोरी वाले, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन या टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या आप लोगों को याद हो गए चैप्टर के नाम,
लॉजिकली याद हो गए कि रटना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ, आपके कोई फ्रेंड को जाके पूछो जो लास्ट 2 महीने से क्लासेस भी कर रहा होगा ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको चैप्टर के नाम पूछो, उसको भी चैप्टर के नाम नहीं आएंगे, क्योंकि कोई चैप्टर का नाम लॉजिकली सीक्वेंसली कैसे आ रहा है कोई नहीं बताता है बेटा। अपन वो लेवल पे, वो डेप्थ पे जाके पढ़ रहे हैं कि चैप्टर का नाम भी कैसे आया है, क्यों, क्या रेलेवेंस है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूं। तो जब अपन चैप्टर के अंदर घुसेंगे तो आप सोच सकते हैं कैसे अपन अपनी उड़ान भरने वाले हैं, सोच सकते हैं आप कैसे अपन अपनी उड़ान भरने वाले हैं, है कि नहीं। सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे को एक बात बताओ ना, देखो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया सिस्टमैटिक एकदम, स्पीड कैसा लग रहा है, फास्ट स्लो या एकदम परफेक्ट, तरीका कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली और 2-3 लेक्चर जाने दो, फिर एकदम अपन लोग एक दूसरे का एकदम वाइब मैच हो जाएगा, फिर तो हाँ, मजे ही मजे, मजे ही मजे, है क्या नहीं। और ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को अपलोड हो जाएंगे गूगल ड्राइव पे, तो आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखना, अपन लोग करने वाले हैं 3 चीजों से है ये। एक अपन करेंगे ऑप्टिमाइज्ड, दूसरा बहुत सारे एमसीक्यू। अब मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू मैं करवाऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, CACWA इंटर बाय संकल्प कांस्टिया। आप लोगों को लिंक चाहिए मैं नीचे दे दूंगा वो भी। एंड लास्ट में एग्जाम के दिन पे जब अपने को रिवीजन करने की बारी आएगी ना, तब संकल्प सर आपको देंगे मैजिक बुक, तब संकल्प सर आपको देंगे मैजिक बुक। परफेक्ट बोले दो, ओके, बस यही सिस्टम को फॉलो करेंगे एंड धूम मचा देंगे। अच्छा अब सर समझो, पढ़ते वक्त क्या होता है ना सर, क्लास में आपके साथ हम लोग समझ जाते हैं, बट कई बार जब हम लोग खुद बुक ओपन करते हैं तो हमको तारे सितारे दिखते हैं, हम लोग को चीजें याद नहीं आती है या क्लिक नहीं होता है क्या एडजस्टमेंट था। तो सर आपसे डाउट पूछना हुआ तो क्या करेंगे, तो डाउट सॉल्विंग के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरा नंबर। जी हाँ, डाउट सॉल्विंग के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरा नंबर, एंड दैट इज, मेरे को आप लोग व्हाट्सएप कर देना प्लीज, तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को डाउट के लिए ये नंबर के ऊपर। बट एक चीज ध्यान में रखना, अब कई बार है ना मैं लेक्चर में बिजी होता हूँ, जैसे अभी मेरा लेक्चर चालू है तो मैं लेक्चर में पूरी की पूरी तरह बिजी हूँ, तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आए होंगे, मिस हो जाते हैं, तो आप लोग रिमाइंडर दे दो, रिमाइंडर 1, 2, 20, 30 कितने भी रिमाइंडर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, आपका डाउट है मैं सॉल्व करूंगा, बट मिस हो जाने का भी चांसेस है, बस ध्यान रखना इन केस मिस हो जाए आप रिमाइंड करवा दो, ठीक है ना, एक दिन में एक दो रिमाइंडर भेज दो अगर मिस हो गया हो तो, फिर करते जाओ, तो वैसा फॉलोअप रख लेना। 9819201473 इज माई नंबर, जस्ट ड्रॉप मी व्हाट्सएप इन केस यू हैव एनी डाउट्स ऑफ एनी टाइम ऑफ दिस सब्जेक्ट और एनीथिंग। यस यस वैशाली, यस वैशाली विल डू दैट। वैशाली समझ में आया पूरा सेशन, कोई डाउट स्पीड वीड वाइज, कोई प्रॉब्लम, सही लग रहा है एकदम, तो वो एक बार तुम लोग मुझे बता देना, सो दैट बस इसी 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 चीज को पकड़ के मैं बिल्डअप करता जाऊं, है ना। चल ओके, सो आई थिंक सब पॉजिटिव है। अब आप लोगों को दिखा देता हूं मैं आप लोगों का मॉड्यूल, मैंने अपनी बुक तो दिखा दी पर क्यों ना इंस्टीट्यूट का भी एक बार मॉड्यूल दिखा दो। तो ये देखो, ये है पेपर 6A फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको इंस्टीट्यूट ने डिवाइड देखो कैसे किया है, ये रहा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। आपको इंस्टीट्यूट का बुक ओपन भी नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूं। अपना स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अपना था फेज 3 में। फिर बाद में है रेशियो एनालिसिस, तो ये भी था अपना फेज 3 में। सो ये पहले 3 चैप्टर्स अपने गए फेज 3 में, ठीक है। आज से अपन पढ़ाई भी ऐसे ही करेंगे कि भाई तेरा कितना फेज हुआ, मेरा कितना फेज हुआ, वैसा। अगर आप लोग ने नोट किया होगा तो ये चैप्टर 4, 5, 6 अपना बनता है फेज 2, सॉरी फेज 1। अगर आप लोग ने नोट किया होगा तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, जो अपना कैपिटल बजटिंग था ना वो ये है।
डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बेटा ये बनता है अपना फेज टू। चलो 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 गाइस, बताओ क्लियर है। सो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी आप लोगों को ये तीनों जो टोटल 9 चैप्टर्स है जिसको अपन ने फेज थ्री में 3 × 3 × 3 करके किया है बता दिया। ये भी आएगा 15 से 20 मार्क का गाइस, समझ लो। ये 15 मार्क का, ये 15 से 20 मार्क का, ये 15 से 20 मार्क का, हो गया आपका विद ऑप्शंस टोटल 50+ मार्क्स। डन 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 डन। चलो फिर बाद में आता है यहां पे, ये देखो वेटेज। तो इनके हिसाब से देखो, इनका वेटेज का कोई भरोसा नहीं है, बट फिर भी इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनालिसिस वाला है, इसका 10 to 15% का इन्होंने वेटेज रखा है। फिर बाद में ये देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर का उन्होंने लेवरेज का अलग वेटेज रखा है, यहाँ पे इसका 20 to 25% वेटेज रखा है। बट देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, अपने को तो इतना अच्छी तरह से करना है कि अपने को ये वेटेज से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। वी विल डू इट इन सच अ वे कि बॉस अपने को फुल आउट ऑफ फ्यूल आना ही चाहिए, मतलब पूरा का पूरा अपन कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे। ये खाली आप लोगों को एक बार दिखा दूं, इस तरह से आपका पेपर होता है। देखो ये ऐसा वो लोग लिख के देंगे, देखो आपको सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन बी में क्या आएगा। सेक्शन बी ऑब्वियसली इनका हो गया एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेक्शन ए क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी एंड 2 आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। ओके फिर बाद में ये देखो इधर ये है 1A 1B 1C 2A, देखो दिख रहा है। ये मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क का होगा, 5 5 10 1C 5 15। फिर मैंने क्या बोला था, बाकी सब प्रोबेबली 10 मार्क के होंगे। तो ये देखो 2A 8 मार्क का, 2B 2 मार्क का, 10, 3A 5 मार्क का, 3B 5 मार्क का, 10। एंड क्वेश्चन 4 अगर आप लोग नोट करोगे तो पूरा का पूरा थ्योरी है, 4 + 4 + 2। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पैटर्न फिक्स नहीं है, इंस्टीट्यूट है, कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है। लेट अस बी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी आ जाए अपने को तकलीफ नहीं ना होना चाहिए। अब आप लोगों को मेरे को व्हाट्सएप करना है आज के आज ही, दैट यस सर, ये देखो मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, यस सर वी विल स्कोर। ये आप लोग आज मैनिफेस्ट करके मुझे एक यू कैन से प्रॉमिस दे रहे हो, तो मुझे व्हाट्सएप करोगे आप लोग क्या चीज, मुझे आप लोग व्हाट्सएप करोगे अपना नेम, मुझे आप लोग करोगे व्हाट्सएप अपना लोकेशन, एंड एट द सेम टाइम आप लोग व्हाट्सएप करोगे वी विल स्कोर 50 मार्क्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आप लोग आज प्रॉमिस कर रहे हो, और एक बार आप लोग ने प्रॉमिस कर दिया देन इन दैट केस आप लोग भी इसको डिलीवर करने का पूरा कोशिश करोगे, मुझे ये विश्वास है। ओके गाइस, चलो स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं अपन अपने अगले सेशन में, जहां पे अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर को, बिकॉज अब अपन लोग ने ओवरव्यू ले लिया है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के वेटेज का, सब्जेक्ट के चैप्टर्स का, मॉड्यूल का, अपने ऑप्टिमाइज का, सारी चीजें अब अपने दिमाग में एकदम सेट हो गई है। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, नाउ वी आर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। कुछ भी हो आप मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, धीरे धीरे आवर्स बढ़ते जाएंगे, आज इतना है, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और फिर अपना जो ऑप्टिमम है उस पर अपन लोग पहुंच जाएंगे। ओके और कुछ आपको डिस्कस करना है बोल सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं कल। हाँ नोट्स अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी, नोट्स ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं सारे चैप्टर का जो भी मैं लिखवाऊंगा गूगल ड्राइव पे सब चीजें आप लोगों को अपलोड हो जाएगी, ठीक है।
ये अभी आप लोगों को मैंने ये इसलिए दिखा दिया कि अब आपको मॉड्यूल खोलने की जरूरत ही नहीं। आप समझ जाना कि मॉड्यूल मतलब सब कवर्ड ही है अपने लेक्चर में, टेंशन ही नहीं आप लोग।